अरे यार भाई पीछे गाड़ी ऐसी ऐसी हो रही है। सिलेंडर तो लगा हुआ है, तकलीफ वाली बात नहीं है। दिल गार्डन गार्डन हो रही है। हम चाह रहे हैं अपने आप को बादलों की तरह हल्का करना बाकी सभी लोगों के लिए, कि आज एक लूला आदमी जा रहा है ट्रैक करने। आज केदारघंटा का दूसरा दिन, हम निकल गए हैं हमारे पिकअप पॉइंट के लिए। एक्चुअली हम लेट हो गए, 7:05 हो रहा है अभी। 7 बजे निकल जाना था, 6:30 बजे का पिकअप था, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। और अब बस जल्दी से पहुँचते हैं, वहाँ से निकलते हैं, देखते हैं वो रुके हुए हैं कि नहीं रुके हुए हैं। बस चलो मैम अभी कंटिन्यू करते हैं बाकी का। ट्रैक अप इंडिया आपका कोटगांव में होगा, ठीक है? वहाँ जाके आप लोग आपका ट्रैक लीडर आपको रिसीव करें। ओके, हैव अ गुड डे, नाइस ट्रैक। थैंक यू। पहला स्टॉप आ गया हमारा, ये मसूरी में केम्प्टी फॉल्स के पास में कहीं रुकवाया गया है। और हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं और बस फिर निकलेंगे आगे। आधे घंटे के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। शर्मा जी कैसा था फिर? अरे यार भाई पीछे गाड़ी ऐसी ऐसी हो रही है। कानों में आवाज़ आ रही थी? बुला लिया हम लोगों ने ऑमलेट, मैगी और भैया 2 जिंजर टी कर दीजिए। तुम क्या पी रहे हो? मैं भी वही पीऊँ, जिंजर टी। तू? कॉफी। 3 जिंजर टी और 1 कॉफ़ी कर दीजिए। ऑमलेट ऑमलेट खाते हैं, चाय वाय पीते हैं। भाई मैगी खा रहा है अंशु भाई। बस बस पीछे आ जाऊंगे मैं भी। या आ जाना, वो भैया भाई को बोल देंगे आगे बैठ जा यार। भाई समझ आ रहा है, मेरा रेड बाइक लाया क्या? अच्छा मेरा पति है। पहाड़ किस साइड आएंगे? ओ संजू पहाड़ उस साइड आएंगे और इस साइड भी आएंगे, थोड़ी देर बाद फिर उस साइड भी आएंगे। नाश्ता वाश्ता करके निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं सांकरी का। सांकरी शर्मा जी नहीं हुआ क्या? पूछ रही वो टायर के ऊपर पैर आ गया। शर्मा जी समा नहीं पा रहे। हाँ यार कैप्टिव वाली आनी थी, कैप्टिव वाली आनी थी। यमुना रिवर है तो एक मिनट और उतर जाता हूँ। यमुना रिवर है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, मस्त पानी बह रहा है, बहुत क्लियर पानी है। ये रास्ते में आगे जाके यमुनोत्री भी है। हो गया यहाँ का फ़ोटो वोटो खिंचा लिए, बढ़िया ड्रोन शॉट्स ले लिए हैं। ड्रोन शॉट्स तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। अब बस चलते हैं यहाँ पे। वो गड़ा हमारे ट्रैवलर्स,
जाके वापस से बैठते अपनी अपनी जगह पे। मजा आ गया लंडो भैया, बहुत दिल गार्डन गार्डन हो रही है भैया। हमको अभी मिले भैया, पुणे से आए हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो भैया भी हमारी पार्टी में जुड़ गए। भैया वहाँ कहाँ पे देहरादून तक सोलो चल रहे थे, कंपनी मिल गई है, अब बस भैया के मजे ही मजे हैं। अब भैया डी कंपनी के मेंबर है। डी कंपनी का फुल फॉर्म बता दूं? हाँ बता दो। बाद में बताएंगे, बाद में। कहाँ जा रहे तुम लोग? मूत्र विसर्जन करने जा रहे हैं। तो मैं भी चलता हूँ। इसको भी दिखा दूं? हम चाह रहे हैं अपने आप को बादलों की तरह हल्का करना। ऐसे ही ट्रैक है भाई, समझ में आ रही है। अड़ी। अरे यार क्या तो काम चल रहा है, चंचल ने ले लिया। लंच लिए रुक गए, मैं तो नहीं कर रहा कुछ, मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, अभी भरा ही भरा है क्योंकि सुबह से बैठे ही हुए हैं, और एक तो ऊपर से हम पीछे बैठे हुए हैं, तो समझ सकते हो क्या हालत हो रही होगी। भाई कैसा लग रहा है पीछे बैठ के? मत पूछो यार। क्या बोलते, अगली बार अपनी लाएंगे? उससे बोलेंगे अगली बार पैसे तू थोड़े ज़्यादा ले, लेकिन ये बेहतर ना, अपनी की भी जरूरत नहीं है। पर्सनल कर लेंगे अपन, पर्सनल कर लेंगे। अगली बार यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन दो चार पेटी ज्यादा ले ले तू भाई। अगली बार दूसरी ट्रैक पे जाएंगे अपन, अड़े साथ में ले जाएंगे, नहीं तो अपने को साथ में ले जाएगा भाई। अरे भाई इंस्पिरेशनल स्टोरी दे रहा हूँ मैं। बेबी ए पकड़ पकड़ दादा, मेरे बारे में बल्लू बल्लू मेरे बारे में बता, ये लगड़ा लूला है तो ये सब बाकी सभी लोगों के लिए कि आज एक लूला आदमी जा रहा है ट्रैक करने। मुझसे कुछ सीखो, कुछ काम धंधा करो। बोल भाई इसको दो, बोल दो। वैसा नहीं है, पैसा है। दूर हो जाओ ना, उसी में भर के ले जाएंगे। इसका नंबर ले ले, रिटर्न में काम आएगा। अबे उसका नंबर ले, रिटर्न में काम आएगा एम्बुलेंस का। ले लिया भाई, आ गया बल्लू द व्लॉगर। हाँ बल्लू कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया, मजे चल रहे। हालत ठीक है आपकी? एक नंबर। उल्टियां क्या उल्टी है, सीधी है सब। मैंने सुना तुम बहुत डक रहे हो यहाँ। नहीं वो तो शर्मा जी थे। अरे हमने आपको भी देखा भैया। ना गलत देख लिया। कैसे हो शर्मा जी आप? इसके पाप दिखा रहे हैं इंडिया के। तुम्हारे पाप भी दिखाए? मेरे तो धुल गए, तो धुल गए। मैंने तो पहले ही धो दिए थे। अच्छा, पाप करते थे ही धो दिया था। फाइनली सांकरी पहुंच गए हम लोग बेस कैंप पे, और यही हमारा कैंप साइट है। आई डोंट थिंक लाइट इतनी है कि दिख रहा होगा, पर यही है, रुकना है आज हम लोगों को। आओ थारे को कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है भाई। ठंड? अच्छा भाई, ब्रीफिंग का टाइम हो गया अभी सबको, हम सबको ब्रीफिंग के लिए बुला लिया है यहाँ पे। अब ये भैया लोग ब्रीफिंग देंगे कि कल का ट्रैक कैसे कैसे करना है। ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यू केदारगढ़ बेस कैंप सांकरी। गाइस खाना वाना हो गया हम लोगों का, बस सोने की तैयारी, ऐसे कुछ व्यवस्था है। सामान हटाएंगे और सो जाएंगे यहाँ पे, और कल सुबह 6 बजे चाय मिलेगी, तो उठना उसी टाइम पे, क्योंकि सिर्फ 10 या 15 मिनट में चाय रखेंगे वरना वो ठंडी हो जाएगी, तो उठना तो जल्दी ही पड़ेगा। और फिर 8 बजे निकल जाएंगे ट्रैकिंग पे, सिग्नल लाइट इलेक्ट्रिसिटी सब चली जाएगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कल से ट्रैकिंग का डे 1 स्टार्ट होने वाला है, तो बाय बाय।